समाज के प्रति अपना दायित्व निभाने के उद्देश्य से बुधवार 7 जुलाई को BCN एवं BTP ग्रुप के चेयरमैन सिराज शेख ने जन्मदिन के अवसर पर भव्य निःशुल्क लसीकरण रोग निदान शिविर और मुफ्त चश्मा वितरण का सोमवार क्वार्टर स्थित संत रविदास सभागृह में आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से जिलाधिकारी रविंद्र ठाकरे, पूर्व पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुए, महापौर दयाशंकर तिवारी, विरोधी पक्ष नेता मनपा तानाजी वनवे, पूर्व शहर अध्यक्ष भाजपा सुधाकर कोसी उपस्थित थे। आज बहुत हमारे सबके लिए खुशी का दिन है। BCN न्यूज चैनल के जो संपादक है, उनके जो मालिक है सिराज भाई, इनका मैं बहुत बहुत इस जन्मदिन के मौके पर उनको लंबी आयु मिले, उनका जन्म उनका जीवन मंगलमय रहे, ये प्रार्थना करता हूँ, कामना करता हूँ। और मुझे इस बात का गर्व है कि एक छोटा सा पौधा BCN मीडिया ग्रुप ने लगाया था, आज वो हमारे पूरे विदर्भ में 4-5 स्टेट में फैला हुआ है। जिस ईमानदारी के साथ BCN न्यूज चैनल की टीम समाज के आखिरी आदमी के प्रश्न उठाकर हमारे सरकार और विपक्ष के पास लाती है और उस प्रश्नों पे निकालों के गरीब आदमी को न्याय मिलता है, ये हमारे लिए सबके लिए एक उन्होंने अच्छा रास्ता दिया हुआ है। आज उन्होंने जन्मदिन के मौके पर वृक्षारोपण का, नेत्र चिकित्सा का, ब्लड डोनेशन का कैंप रखा हुआ है, ये भी समाज के लिए अच्छा काम है। कोरोना के संक्रमण में जब लोग डर रहे थे तब BCN न्यूज चैनल पर रोड पर काम कर रहा था, उनके सारे हमारे जो कैमरामैन हैं, जो हमारे वार्ताहर है, वो पूरे काम कर रहे थे, पॉजिटिव काम कर रहे थे और कोरोना के संक्रमण में अच्छा काम किया BCN न्यूज चैनल में। और इस वजह से आज मुझे लगता है कि सिराज भाई आपको लंबी आयु मिले, आपका जीवन मंगलमय रहे और आपके चैनल के साथ हम सब लोग ईमानदारी से, हृदय से आपके सहयोग हम करते रहेंगे, यही मैं आपसे वादा करता हूँ और आपको बहुत बहुत जन्मदिन की बधाई। सिराज भाई एक शून्य से ऊंचाई तक पहुंचा हुआ व्यक्तित्व, आज उन्होंने आज के कार्यक्रम में भी अपने जन्मदिन को जन स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छा काम करने के लिए उपयोग में लिया। ऐसे ही उनसे प्रेरणा लेकर के सामाजिक जीवन में जनता के हित के लिए ही अपने जन्मदिन को मनाने का सब लोग निर्णय ले, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूँ, उन्हें जन्मदिन की बधाई देता हूँ। आज माननीय सिराज जी यांचा वाढदिवस आहे, एक छोट्याशा कुटुंबातून एवढी उंच भरारी त्यांनी घेतलेली आहे, संपूर्ण नागपूर शहर या त्यांच्या जी वाटचाल आहे त्या वाटचालीचं साक्षीदार आहे आणि एका उंच पदावर गेल्यानंतर सुद्धा सामान्य जनतेची चिंता त्यांना सतत असते, हेच त्यांच्या एकंदरीत वागणुकीवरून दिसत आलेलं आहे। साधारणतः 1 जूनपासून त्यांचा हा कॅम्प जो आहे हो सतत सुरू आहे आणि या माध्यमातून हजारो लोकांना त्यांनी आरोग्याच्या सुविधा उपलब्ध करून दिलेल्या आहेत। मी त्यांना त्यांच्या वाढदिवसानिमित्त शुभचिंतन चिंतितो, त्यांना ईश्वर सुख समृद्धी ऐश्वर आरोग्य सर्व प्रदान करो आणि त्यांच्या हाताने अशीच जनतेची नागरिकांची सेवा घडत राहो, ही ईश्वरच्या चरणी प्रार्थना करतो। आता खूप सध्या तरी आपलं हेल्थ सेक्टर बऱ्यापैकी चांगलं झालेलं आहे कोरोना काळात, तर मी आधीच सांगतो कदाचित कधी कधी वेगळ्या तऱ्हेने कोरोनाला आपण धन्यवाद म्हणायला पाहिजे की हेल्थ सेक्टरकडे सगळ्यांचं लक्ष गेलेलं आहे, त्याच्यामुळे हेल्थ सेक्टर बऱ्यापैकी चांगलं झालेलं आहे। पण तरीसुद्धा अशा कॅम्पची खूप गरज आहे आणि मी एकदम अनभिन्न होतो की एवढा मोठा कॅम्प आपल्या मेडिकल कॉलेज एरियातच होत आहे आणि ते पण आपल्याला न सांगता होत आहे। मी खरोखर पूर्ण BCN ग्रुप आणि सगळे चेअरमॅन इन्क्लुडिंग सिराज सर, इम्रान साहेब, पानसी आणि सगळ्या टीमला मी आज धन्यवाद देतो की एवढं मोठं शिबिर इथं आयोजित केलं आणि खरोखर अशा शिबिरावाटे लहान जे काही मध्यम किंवा जे निम्न वर्ग लगातील लोक आहेत त्यांना खरोखर याचा फायदा होईल। आणि मी आज सिराज शेख यांच्या व्यक्तिमत्वाबद्दल भारावून गेलो, कारण असेच लोक या जगात गरज आहे। कारण मी तर म्हणेल हे आपल्या महाराष्ट्राचे आधुनिक गाडगेबाबा आहे ज्यांनी वेगळ्या तऱ्हेने समाज सुधारण्याचं काम केलेलं आहे आणि असंच हे काम करत राहो, या जन्मदिनाबद्दल मी त्यांना धन्यवाद देतो। सबसे पहले तो मैं BCN एवं BTP ग्रुप के जो हमारे चेयरमैन है और हमारे भाई है, बड़े भाई है सिराजी शेख, इन्हें मैं उन्हें जन्मदिन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। उनके इस जन्मदिन के शुभ अवसर पर जो है जिस तरीके से उन्होंने यहाँ पर आज BCN और BTP की ओर से एक उन्होंने रक्तदान शिविर के माध्यम से कही है या फिर ब्लड चेकअप के माध्यम से कही है या हेल्थ चेकअप कही है, आंखों की जांच कही है, हजारों की मात्रा में यहाँ पर जिस तरीके से वो चश्मे का भी वितरण जो कर रहे हैं, तो मैं उनकी यह कार्यक्रम को बहुत बहुत शुभकामनाएं उनको देना हूँ।
जीताऊँ इसी तरीके से ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि लंबी उम्र उनकी और बरकरार रखें और आने वाले भविष्य में इसी प्रकार से जो है और समाज के प्रति उनकी इसकी इसी भावना से वो समाज की सेवा वो करते रहें। और एक बार मैं सभी नागपुर एसोस की टीम की ओर से सिराज जी शेख इन्हें जन्मदिन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। सबसे पहले तो मैं BCN एवं BTB ग्रुप के जो हमारे चेयरमैन हैं और हमारे भाई है, बड़े भाई है सिराज जी शेख, इन्हें मैं उन्हें जन्मदिन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। उनके इस जन्मदिन के शुभ अवसर पर जो है जिस तरीके से उन्होंने यहाँ पर आज BCN और BTB की ओर से एक उन्होंने रक्तदान शिविर के माध्यम से कही है या फिर ब्लड चेकअप के माध्यम से कही है या हेल्थ चेकअप कही है, आंखों की जांच कही है, हज़ारों की मात्रा में यहाँ पर जिस तरीके से वो चश्मे का भी वितरण जो कर रहे हैं, तो मैं उनकी यह कार्यक्रम को बहुत बहुत शुभकामनाएं उनको देता हूँ। उसी तरीके से ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि लंबी उम्र उनकी और बरकरार रखें और आने वाले भविष्य में इसी प्रकार से जो है और समाज के प्रति उनकी इसकी इसी भावना से वो समाज की सेवा वो करते रहें। और एक बार मैं सभी नागपुर एसोस की टीम की ओर से सिराज जी शेख इन्हें जन्मदिन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। BCN चैनल चे चेयरमन सिराज भाई शेख यांना मी नागपुर महानगरपालिकेतर्फे हार्दिक शुभेच्छा देतो। आमचे मित्र सिराज भाई शेख आज यांचा वाढदिवस आहे, त्या निमित्ताने महारोग निदान शिबिर या ठिकाणी त्यांनी ठेवलेलं आहे। या आजच्या काळाची गरज पाहता रोग निदान शिबिराची नितांत गरज आहे। अनेक प्रकार चष्मे डोळे तपासण्यापासून चष्मे देण्यापासून ब्लड शुगरपासून असे विविध प्रकारचं शिबिर या ठिकाणी आहे, लोकांनी गर्दी पण मोठ्या प्रमाणात केलेली आहे। मी सिराजभाईच्या या सामाजिक उपक्रमाला मनपूर्वक शुभेच्छा देतो, परमेश्वर त्यांना उदंड आयुष्य देव अशी परमेश्वरनी चरणी प्रार्थना करून मी माझ्या त्यांना खूप खूप मनपूर्वक शुभेच्छा देतो। धन्यवाद। कोरोना काल में कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने लोगों की निस्वार्थ भाव से सेवा की है, इन्हीं कोरोना योद्धाओं का सम्मान भी बुधवार को किया गया। इस शिविर के दौरान लगभग 29 कोरोना योद्धाओं का सम्मान किया गया। ऐसा है कि BCN जे संस्थापक चेयरमैन है श्री सिराज भाई शेख यांचा आज वाढदिवस आहे। त्यांनी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आणि प्रिंट मीडियाच्या माध्यमातून अतिशय चांगले काम नागपुरामध्ये केले, नागपुराच्या सोबत पूर्ण विदर्भात चांगले काम त्यांनी केले आहे। आणि आपला वाढदिवस सगळे लोक साजरा करतात, परंतु आपल्या वाढदिवशी आपल्या जन्मदिवशी या कोरोना काळामध्ये आणि कोरोना काळानंतर तरी गरीब लोकांची सेवा करणं हा अतिशय स्तुत्य उपक्रम त्यांनी या ठिकाणी उभा केला। आज त्या ठिकाणी त्यांनी आरोग्य शिबिर ऑर्गनाईज केलं, काही गरीब लोक आहेत त्यांना धान्याच्या किट त्यांनी प्रोव्हाइड केल्या, काही गरीब लोक आहेत त्यांची आरोग्य तपासणी या ठिकाणी केली, काही लोकांचे डोळे तपासले आणि डोळे तपासून नाही तर काय ज्या लोकांचे डोळे तपासले त्यांना चष्म्याची आवश्यकता आहे किंवा त्यांना डोळ्याच्या ऑपरेशनची आवश्यकता आहे, त्यांनी सगळ्या ज्या व्यवस्था या ठिकाणी केल्या अतिशय स्तुत्य उपक्रम, अशा प्रकारचं कार्य त्यांच्या हातून भविष्यातसुद्धा घडल असं मी या ठिकाणी आशा व्यक्त करतो आणि त्यांना लाख शुभेच्छा देतो। आणि आमच्या संत गणेशोत्सव मंडळाचासुद्धा आपण सत्कार केला, त्याबद्दलसुद्धा BCN मी या ठिकाणी आभार मानतो आणि सिराज भाईला अत्यंत चांगलं आयुष्य लाभो अशी मी गणपतीकडे प्रार्थना करतो। धन्यवाद, थँक्यू। आगे जो BCN केबल नेटवर्क के तरफ से कार्यक्रम दिया गया है, एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम दिया गया है। जो NGOs या समाज सेवी जो संस्था है जो कार्य करती है आपातकालीन काल में, उनको एक प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए ये कार्यक्रम दिया गया है। अतिशय खूबसूरत ये कार्यक्रम यहाँ पे रविदास भवन में आयोजित किया है। हम वार्ड समस्या निवारण समिति की ओर से BCN केबल का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। जन्मदिन के ऊपर हर कोई अपना जन्मदिन दोस्तों के साथ मनाता है, मगर सिराज भाई का जो जन्मदिन है जिन्होंने समाज के साथ मनाने का संकल्प लिया, उनके जन्मदिन पर ये जो कार्य वो कर रहे हैं सही में बहुत बड़ा कार्य है, क्योंकि जन्मदिन पे हम खुशियाँ लोगों के साथ बांटने से खुशियाँ दुगनी हो जाती कहते हैं, पर आज उन्होंने वही किया है। या नेत्र जांच शिविर है, स्वास्थ्य जांच शिविर है, कोरोना योद्धा का सत्कार है, ऐसे अनेक कार्यक्रम समाज उपयोगी कार्यक्रम सिराज भाई शेख ने लिए हैं। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि एक सुंदर उपक्रम उन्होंने अपने जन्मदिन पर किया। बहुत कम लोग इस तरह से जन्मदिन मनाते हैं, पर उन्होंने आज इतने बड़े प्रमाण में उसका कार्यक्रम का आयोजन किया। मैं मेरे हम पुलकमंच परिवार और हम अमर स्वरूप फाउंडेशन की तरफ से उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ एक सुंदर कार्यक्रम के लिए और उनके जन्मदिन के लिए। छत्रपति शिवराय स्मारक समितीच्या आज सिराज भाई शेख यांच्या वाढदिवसानिमित्त जो सत्कार करण्यात आला, त्याचे कारण असे की आम्ही कोविडच्या संपूर्ण काळात निःशुल्क औषधी वाटप केलं व विविध रोग निदान शिबिरांचे आयोजन केलं। गरजूंना जे सहकार्य आमच्या समितीच्या वतीनं करता आलं ते करण्याचा आम्ही पुरेपूर प्रयत्न केला। अशा पद्धतीचा एक अनोखा उपक्रम आणि विविध संघटनांचा सन्मान करणे हे सिराजभाई शेख यांना चांगल्याच पद्धतीने जमते आणि तो ते करण्याचा प्रयत्न त्यांनी पुरेपूर केला। यानिमित्त त्यांच्या वाढदिवसाला आयोजित जो रोगनिदान शिबिर आहे त्या रोगनिदान शिबिराला माझ्याकडून माझ्या समितीच्या वतीने शुभेच्छा आहेत आणि
आदरणीय सिराज भाई शेख यांना दीर्घायुष्य लाभो याच पद व याच पद्धतीचे सामाजिक उपक्रम त्यांच्या पद्धतीने वतीने राबविण्यात येऊ या मनोमनी शुभेच्छा देतो व त्यांना वाढदिवसाच्या शुभेच्छा देतो. आज माननीय सिराज भाई शेख यांचा VTP आणि BCN तर्फे जो वाढदिवस इथे नियोजन करण्यात आला तो निःशुल्क रोगदान महाशिबिर होता. तो शिबिर इतक्या चांगल्या प्रमाणात घेण्यात आला, लोकांना मोफत चष्मे वाटप, लोकांना सर्व ज्या लोकांनी कोविडमध्ये जे कोविड योद्ध्यांना जे सत्कार झाला ते बहुत बहुउद्देशीय आहे. आणि हा जो मेसेज आहे हा पूर्ण महाराष्ट्रभर लोकांना पोहोचेल की म्हणजे कोविड योद्ध्याचं आणि सत्कार करतात. आणि शिबिर जो झाला तो सर्वांना चष्मे वाटप हे ते गोरगरिबांना जे कोणांना काही भेटत नाही जे प्रायव्हेटमध्ये जातात इकडे जातात आज तेही लोक बहुत खुश झाले. मी सिराजभाई शेखच्या वाढदिवसानिमित्त सर्वांना शुभेच्छा देते. हॅपी बर्थडे. सिराजभाई यांचं मार्गदर्शन आम्हाला नेहमीच प्रत्येक कामात मिळत राहते. सिराजभाईंनी काल पण आम्ही सिराजभाईंकडे गेलो होतो आणि त्यांनी बर्थडे बोलता आमंत्रण केलं आणि आमच्या सिराजभाईंचा मी एक आभार याच्यासाठी मानतो की त्यांनी जे माझ्यासारखे 177 आम्ही कोविड युद्धाप्रमाणे मेडिकल आणि मिओमध्ये मागील 100 दिवसांपासून काम करतो आहे, परंतु सगळ्यांचं येणं इथे पॉसिबल झालं नाही कारण की मेडिकल आणि मिओमध्ये आता पण सेवा सुरू आहे. त्यामुळे मेनमेन काही आम्ही कार्यकर्ते इथे आलो आणि सिराजभाईंनी त्यांचं पण छान शिरफळ देऊन सत्कार केलं, त्याबद्दल मी सिराजभाईंचं पण खूप आभार मानतो. आणि सिराजभाईंना नागपूर SOS पंडित शिर्के मित्र परिवारातर्फे वाढदिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा. कहा जाता है की जनसेवा ही जनार्दन सेवा है. इसी बात को ध्यान में रखते हुए साथ ही समाज सेवा के उद्देश्य से इस शिविर में सूर्योदय हॉस्पिटल की ओर से स्वास्थ्य जांच और दवाओं का वितरण किया गया. सार्थक बहुउद्देश्य संस्था की ओर से नेत्र जांच एवं मोतियाबिंदु शस्त्रक्रिया साथ ही निशुल्क चश्मे वितरित किए गए. एडवांस डेंटल केयर की ओर से डेंटल चेकअप, प्रॉपर्टी से जुड़ी समस्याओं के निवारण के लिए एडवोकेट हाफिज शेख एवं एडवोकेट प्रज्ञा बननायक की मुफ्त सलाह, शिवशंकर आयुर्वेद की ओर से जांच और दवाओं का वितरण, लाइफलाइन ब्लड बैंक की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन, दिशा फाउंडेशन की ओर से एक्सरे, शिवानी मोटलानी की ओर से ब्यूटी टिप्स और ऑटो गैलरी की ओर से दोपहिया वाहन की मुफ्त सर्विसिंग की गई. इसी श्रृंखला में BCN और BTP ग्रुप की ओर से टुकड़ोजी चौक से क्रीड़ा चौक तक पेड़ लगा कर उनके सौंदर्यकरण का जिम्मा उठाया गया. साथ ही इस कार्यक्रम में कोरोना के सभी नियमों का पालन करते हुए बड़ी संख्या में लोगों ने लाभ लिया. इस पहल की सभी मान्यवरों ने सराहना की. सिराज भाई शेख को जन्मदिन की बधाइयां दी गई. BCN न्यूज की ब्यूरो रिपोर्ट.